नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। ये आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं यही कामना करती हूँ कि आप सभी सदैव व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। दर्शकों, यदि आपने सपने में देखा है कि आप मक्खन चुरा रहे हैं या माखन चुरा रहे हैं, तो हम इस वीडियो में आपको इस सपने का अर्थ, साथ ही साथ आपको एक उपाय बताएंगे जो कि यदि आप यह स्वप्न देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। दर्शकों, तो आइए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दर्शकों, सपने में माखन चुराने का मतलब यह होता है कि आप बहुत ही मस्ती खो रहे हैं और आप लोगों के साथ बहुत मस्ती करते हैं। अब भले ही उम्र में बड़े हैं, लेकिन आज भी आपका बचपना नहीं गया। आपके इसी व्यवहार के कारण आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। आपके साथ समय बिताना लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए सपने में माखन चोरी करना शुभ माना जाता है। अगर आप ऐसे स्वप्न देख रहे हैं तो यह स्वप्न जीवन में किसी खुशी की लहर के आने का सूचक होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छा स्वप्न है, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप यह स्वप्न रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही स्वप्न आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा, और यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, अब यदि बात की जाए कि ये स्वप्न आप दोपहर या फिर शाम को सोते हुए देखते हैं तो इन सपनों का क्या अर्थ होगा, तो ये सारे स्वप्न एक निरर्थक स्वप्न माने जाएंगे। इन सपनों का कोई भी विशेष अर्थ तब नहीं होगा। अब यदि बात की जाए कि आप इन सपनों को देख रहे हैं तो आपको अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको आपके सपने का अधिक से अधिक जो फल है वो प्रदान कर दे, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। राधे राधे, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव ही बरसती रहे। राधे राधे।